जय हिंद दोस्तों, एक बार स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज हमारे प्रॉफिट लॉस का बारहवा क्लास है। इसके पहले 11 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखकर ही जान गए होंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम प्रॉफिट लॉस के एक इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि डिस्काउंट को पढ़ने वाले हैं। तो डिस्काउंट को हिंदी में छूट कहते हैं या बट्टा कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिस्काउंट होता क्या है। तो सपोज मान लीजिए हम मार्केट में गए, ठीक, और हमें क्या लेना है, एक लेना है हमें मार्कर। ये अब हमने दुकानदार से पूछा कि ये कितने का मार्कर है, तो उन्होंने बताया कि इसमें प्रिंट छपा है 30, लेकिन आपको मिल जाएगा 20 का। तो इसमें कितना प्रिंट छपा है, 30, यानी कि इसका जो 30 रुपया छपा है वो क्या कहलाएगा, MP यानी कि मार्क प्राइस। और हमको मिला कितना, 20, यानी 20 हमारा हमारे घर से लगा, यानी कि 20 क्या और लागत लगी, इसको क्या बोलेंगे, CP कॉस्ट प्राइस। उसे और जो 20 और 30 के बीच में जो अंतर है 10 का, 20 30 रुपये, तो समझ लो इसमें छपा हुआ था और 20 रुपये में हमें मिला। तो 20 और 30 के बीच में जो गैप है 10 का, वही 10 क्या हो जाएगा, हमारा डिस्काउंट यानी कि छूट हो जाएगा। मान लीजिए प्रिंट इसमें कितना 30 है और लागत हमारे घर से कितना लगा 20, और छूट हमें कितना मिला 10 रुपये का, ठीक, डिस्काउंट कितना मिला 10 रुपये का। अगर यही मार्कर हम लेकर आए और हम किसी को बेच दिए कितने का, 15 रुपये का, तो जो 15 हमारे लिए होगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि जो 30 रुपया इसमें है वो हमारे लिए मार्क प्राइस, जो 20 रुपये हमने खर्च किया वो हमारे लिए CP यानी कॉस्ट प्राइस, हमने 15 रुपये का बेचा यानी कि CSP हमारे लिए क्या हो जाएगा, 15 रुपये, छूट कितना मिला हमें, तो 10 रुपये का। अब आइए जानते हैं इसमें क्या क्या यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें मार्क प्राइस, मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं, मार्क प्राइस इसे बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, ठीक, और इससे जो डिनोट करेंगे, इससे किसे डिनोट करेंगे, इसे MP से डिनोट करेंगे, MP से। फिर क्या होगा इसमें, डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट हिंदी में छूट या बट्टा भी बोलते हैं इसको, ठीक, इसे किससे डिनोट करेंगे, तो इसे D से डिनोट करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और इसे क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य, क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य, और इसे किससे डिनोट करेंगे, तो इसे CP से डिनोट करेंगे। और क्या हो जाएगा, हो जाएगा सेलिंग प्राइस, इसे क्या बोलेंगे हिंदी में, तो इसे बोलेंगे विक्रय मूल्य। से डिनोट किससे करेंगे, तो इसे डिनोट करेंगे SP से डिनोट करेंगे। और क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट मतलब क्या हो जाएगा, लाभ, और लॉस मतलब हानि हो जाएगा। तो ठीक, इतना हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसमें कुछ यूज होने वाले इंपॉर्टेंट फार्मूला को भी देख लेते हैं। चलिए इसको रिजेस कर देते हैं, फिर देखते हैं फार्मूला। तो एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमागत छूट। क्या होता है, क्रमागत छूट, क्रमागत छूट से सक्सेसिव डिस्काउंट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है x+y - xy/100 और क्लोज लगा के परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट। और क्या होता है, और डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, तो डिस्काउंट इक्वल हो जाएगा, डिस्काउंट इक्वल होता है प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं और मार्क प्राइस भी बोलते हैं। तो उसको हम क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस, ठीक, और माइनस क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, या इसे शॉर्ट में बोले तो डिस्काउंट इक्वल क्या हो जाएगा, MP - SP, ठीक, MP - SP, तो क्या मिल जाएगा हमें, डिस्काउंट परसेंट। अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन MP 100
और परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें डिस्काउंट परसेंट मिल जाएगा। चलिए आइए आप कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से सीखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 10% एवं 15% का समतुल्य छूट ज्ञात करें। कोई वर्ष है उस पर एक बार 10% का छूट दिया गया, दूसरी बार 15% का, तो पूरा यानी टोटल छूट कितना दिया गया, समतुल्य छूट पूछा। ठीक है, तो देखिए हमने एक बार D1 पहले देखकर कितना 10% का छूट दिया, और दूसरी बार यानी कि D2 कितने बार 15% का छूट दिया, और हमसे क्या पूछा है D% पूछा है, टोटल परसेंट यानी 80%। तो ये फ्रैक्शन परसेंटेज में इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/10 होगा। जो नीचे आएगा उसे हम क्या मानेंगे, MP मानेंगे, क्या मानेंगे, मार्क प्राइस। 10 रुपया किसी वस्तु में छपा है और उसमें 10% का छूट दिया जा रहा है, तो छूट कितने का दिया जा रहा है, 1 रुपये का। डिस्काउंट कितना, 1। देखिए 10 रुपया किसी वस्तु में छपा है, 1 का छूट दिया जा रहा है, तो बेचेंगे कितने का इसको, 80 करेंगे, 9 रुपये का। ठीक, दूसरी वस्तु देखिए इसमें 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। किसी वस्तु पे MP छपा है कितना, 20 रुपया, और उस पर 3 रुपये का छूट दिया जा रहा, तो बेचेंगे कितने का, 80 करेंगे, 17 रुपया का, 20 में से 3 घटा देंगे। अब MP और SP हम यहाँ पे देख लेते हैं, MP एक तरफ लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे SP। पहले वस्तु का MP कितना था, 10 रुपया, बेचे कितना इसको, 9 रुपया। दूसरे वस्तु का MP कितना था, 20 रुपया, बेचे इसको कितना, 17 रुपया। तो टोटल हम यहाँ पे छूट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 00 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 × 63 = 3 हासिल आएगा, 6 × 9 = 9 और 9 × 6 = 15 153। अब यहाँ देखिए हम किसी वस्तु पे उस पर छपा था मार्क यानी प्रिंट था कितना, 200 रुपया, और उसको बेचे कितना, 153 रुपया, तो कितना हमने छूट दे दिया, तो छूट दिया है हमने 10 में से 3 जाएगा 7, ये बचा यहाँ पे 10 से 3 जाएगा, हाँ यहाँ बचा 9, 9 से 5 जाएगा 4, कितना कितना बचा, 47, और 1 बचा 1 से 0 जाएगा 0। तो क्या डिस्काउंट परसेंट हमें पूछा है, डिस्काउंट परसेंट ये D के इक्वल कितना है, 47। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल क्या होता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, 47 / मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है, 200, और गुणा लगा देंगे 100 से और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब क्या होगा यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल, अब क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 1 यहाँ पे हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 1 बचेगा, और 10 लगा के हो जाएगा 10, 5 × 2 = 10, यानी डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट 23.5% का हमने क्या टोटल छूट दिया। ठीक, समतुल्य छूट कितने रुपए का दिया है, तो 23.5% का। अगला क्वेश्चन है 10% 15% और 20% का समतुल्य छूट ज्ञात करें। आइए देखते हैं, इस बार इसमें 3 बार छूट दिया जा रहा है, एक बार कितना D1 कितना दिया जा रहा है, तो D1 दिया जा रहा है 10% का, और D2 कितना दिया जा रहा है, D2 दिया जा रहा है 15% का, और D3 कितना दिया जा रहा है, तो D3 दिया जा रहा है 20% का। ठीक, तो इसका संतुलन छूट यानी टोटल 20% क्या होगा, 20% इक्वल क्या होगा। अब जो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, MP कितना 10, नीचे जो आएगा वैल्यू उसी को हम क्या मानेंगे, MP 10 रुपये का उस पर मूल्य छपा है, 1 रुपये का छूट दिया, तो SP कितना करेंगे, तो SP बेचेंगे हम 9 रुपये का। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 20 इस पर क्या छपा है, MP 20 रुपये, MP छपा है, 3 रुपये छूट दिए, तो SP कितना करेंगे, तो SP करेंगे 17 रुपये का। ठीक, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 क्या है इस पर, MP 5 पे 1 का छूट दिया, तो SP कितना करेंगे, SP करेंगे 4। अब आइए टोटल MP और SP देखते हैं, तो यहाँ एक तरफ क्या लिखेंगे MP और दूसरी तरफ SP। पहले वस्तु का MP कितना था 10, इसको बेचने दे रहे हैं 9 रुपये का। दूसरी वस्तु का MP कितना था 20,
बेच कितने दे रहे हैं 17 रुपए का। तीसरे वस्तु का एमवी कितना है 5, बेच कितना रहे इसको तो 4 रुपए का। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दे रहे हैं। देखिए 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 10 दूना 20। अब क्या बचा 10 एकम 5 एकम 5, 5 बचे हम 25, यानी कितना हो जाएगा 250। और क्या हो जाएगा 9 63 हासिल आएगा 6 और 9 एकम 9, 9 6 15। किसी वस्तु पर मार्क प्राइस कितना है 250, बेच कितना दे रहे हैं 153, तो छूट हम यहाँ से कितना दे रहे हैं तो डिस्काउंट दे रहे हैं कितना 10 में से 3 जाएगा 7, ये बचा 14, 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ पे जो बचा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 97 रुपये। डिस्काउंट परसेंट पूछा है, डिस्काउंट परसेंट इक्वल क्या होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 97 बटे मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना 250 और गुणे 100 लगा के परसेंटेज का सामने आएंगे डिस्काउंट परसेंट हमें मिल जाएगा 1 0 से तो 1 0 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा 25, 5 दूनी 10, अब इस पर गुणा मिला 7 दूनी 14 के 4 हासिल आएगा 1 2 दूनी 18, 18 और 1 19 बटे 5, एक एक कटेगा 5 3 15 हासिल आएगा 4 हो जाएगा, सॉरी 5 15 हासिल बचेगा 4 और ये जाएगा 44, तो 8 5 40, ठीक कितना बचा भी 4 बचा, पॉइंट लगा के फिर क्या हो जाएगा 8 5 40, यानी डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ टोटल डिस्काउंट परसेंट कितना है 38.8% का क्या मिला मिला टोटल डिस्काउंट। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 1800 रुपये में एक घड़ी खरीदता है, 600 रुपये मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और वह 2250 रुपये में बेच देता है, उसने कितने प्रतिशत का छूट दिया। ठीक देखिए एक विक्रेता है, उन्होंने 1800 रुपये में एक घड़ी खरीदा, तो उन्होंने जो खरीदा अपने घर से लागत लगाई तो उससे क्या बोलेंगे सीपी, और सीपी कितने रुपये खरीदा 1800 रुपये का। अब क्या हुआ जब इन्होंने मार्क प्राइस लगाया या एमपी लगाया तो क्या किया 600 रुपये बढ़ाकर, यानी 1800 में 600 रुपये और बढ़ा दिए तो क्या रहेगा इनका एमपी, यानी 1800 तो इनका रहेगा ही रहेगा और प्लस 600 रुपये और बढ़ा दिए तब बोले कि क्या होगा इसका मार्क प्राइस, तो एमपी क्या रहेगा 0 0 0 रहेगा 0 और 0 0 8 6 14 के 4 हासिल आएगा 1 1 1 2, यानी ये एमपी कितना कर रहे हैं एमपी कर रहे हैं 2400 रुपया। ठीक अब ये बेच कितना दे रहे हैं, बेच रहे हैं इनका 2250 रुपये का, यानी एसपी कितने कर रहे हैं एसपी कितना कर रहे हैं 2250 रुपये का, 2250 रुपये का क्या कह रहे हैं बेच दे रहे हैं। ठीक 2250 रुपये का बेच दे रहे हैं। अब इनसे पूछा है कि डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, कितना डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है कि डिस्काउंट परसेंट क्या होता है डिस्काउंट बटे एम पी अपार 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे डिस्काउंट परसेंट मिलेगा, लेकिन हमें डिस्काउंट तो पहले मिले तो डिस्काउंट इक्वल क्या होता है डिस्काउंट वाला फार्मूला लगाएंगे डिस्काउंट इक्वल एम पी माइनस एस पी, तो डिस्काउंट इक्वल क्या हो जाएगा एम पी कितना है 2400 है, एम पी कितना है 2400, एस पी बेच कितना दे रहे हैं 2250, तो इस तरीके से इन्हें डिस्काउंट कितना मिलेगा तो डिस्काउंट इक्वल हो जाएगा 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा 1, 0, तो डिस्काउंट कितना मिला इन्हें इन्हें डिस्काउंट मिला 150 रुपये का। डिस्काउंट परसेंट पूछा है तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल क्या हो जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 150 किस पे एम पी पे, एम पी कितना है 2400 रुपया, एम पी कितना है 2400 रुपया है और गुड़े गुड़े क्या कर देंगे 100 लिख कर और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब 00 से 00 कैसे क्या हो जाएगा 12 दूना 24, 7 दूनी 14 बचेगा कितना 5 दूनी 10, कितना जाएगा 5 दूनी 10 सॉरी 7 दूनी 14, ठीक और बचेगा कितना 1 10 हो जाएगा 5 दूनी 10, तो डी इक्वल क्या हो जाएगा ये डी परसेंट इक्वल 75 बटे 12, और क्या हो जाएगा 12 6 72 कितना बचा
3 में तो यानी कि 3/4, 3 एकम सॉरी ये 12 है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी इसका डिस्काउंट परसेंट कितना आया? 6 सही, 3/4 सॉरी ये 3 तो कट ही गया है ना, 1/2 डिस्काउंट परसेंट का टोटल क्या है? 6 सही, 1/4% का यानी क्या हुआ टोटल डिस्काउंट। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता किसी वस्तु का मूल्य 1800 रुपये अंकित करता है और 4% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो बताइए उसने वस्तु कितने रुपए में खरीदी। एक दुकानदार है, उन्होंने 1800 रुपये में क्या किया? अंकित दिया। एमपी इनका कितना है? एमपी इनका 1800 रुपया, 1800 ठीक। और फिर कह रहे हैं इन्होंने 4% की छूट दी, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया? 4% की थे, 4% की इन्होंने क्या दिया छूट, फिर भी इन्होंने कितना 20% का लाभ प्राप्त किया, तो प्रॉफिट इन्हें कितना रुपये का हुआ? इन्हें 20% का, ठीक 20% का क्या हुआ इन्हें प्रॉफिट हुआ। तो उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदी, यानी एसपी हमसे सॉरी सीपी हमसे क्या पूछा है, ठीक सीपी पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इनका एमपी और एसपी और सीपी का क्या बना लें रेशियो। तो देखिए 4% है, 4% का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/25। अभी देखिए यहाँ पे 4 लिखा है, 4 परसेंटेज रहेंगे तो 100 लिखना पड़ेगा, 4 एकम 4, 25 चौका 100, यानी कि 1/25। नीचे जो आता है क्या बोलते हैं एमपी, एमपी का कितना है 25, और 1 का छूट दिए तो एसपी कितना किए, एसपी के कितना 24 रुपये का, 25 रुपये का कोई वस्तु प्रिंट है, 1 का छूट दिए तो बेचेंगे कितने का, 24 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट में क्या होता है, अगर हम डिस्काउंट जो लिखेंगे इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा तो उसमें एमपी देखेंगे, अगर प्रॉफिट आता है तो हम नीचे क्या लिखेंगे सीपी देखेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/5 क्या हो जाएगा हमारे लिए सीपी, और 20% का प्रॉफिट यानी कि देखेंगे कितना एसपी करेंगे 6 का। अब देखिए एक बार यहाँ पे एसपी 6 या यहाँ पे 24, तो अलग अलग कैसे हम भाई। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे सीपी एमपी और एसपी का क्या बनाएंगे रेशियो। पहली बार में जब हमने डिस्काउंट किया तो एसपी एमपी कितना था, एमपी था 25 रुपया, 25 रुपया था, तो बेचे थे कितना हम 25 रुपया था, एमपी था बेचे थे कितना 24 रुपये का। दूसरी बात सीपी कितना है 5 है और बेच कितना रहे हैं हम 6 रुपये का रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका सीपी 24 से यहाँ पे 6 अलग अलग है, अलग अलग कैसे हमें करना होगा, एक कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हम इसको 24 बना देंगे तो बात बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 से अगर 4 से गुणा करा देंगे तो भी 24 हो जाएगा, ये भी 24 तो पहले से ही है, तो अगर यहाँ पे 4 से गुणा है तो यहाँ पे भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20 और 25 तो ये रहेगा ही, तो ये क्या हो जाएगा 24 ठीक। अब जो इनका अनुपात आया सीपी एमपी और एसपी का ठीक 25 25 और 24, तो देखिए एमपी हमारे हिसाब से कितना है 25, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1800, यानी 25 का वैल्यू कितना दिया है 1800 दिया है 1800, तो एक का वैल्यू क्या होगा 25 और एक क्या होगा 5 3 15, यहाँ से बचेगा 30 6 5 6 30 और ये हो जाएगा 0। अगर एक का वैल्यू हम देखें तो क्या हो जाएगा 6 5 7 5 35, 7 5 35 दो हो जाएगा 5 7 5 35 1 10 होगा 5 10, 1 का वैल्यू कितना 72। हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है सीपी, सीपी कितना है 20, 1 का 72 है तो 20 का कितना 72 से गुणा कर देंगे, 0 तो रहेगा ही, 2 2 4 और 7 2 14, यानी इसी यहाँ पे 14 सही से लिखते हैं 14, यानी सीपी कितना रहेगा 1440 रुपया क्या हो जाएगा सीपी। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।